करवाने वाले हमारे एडीजीपी साहब श्री ओपी सिंह जी और मंच पर उपस्थित अन्य महिलाएं डीसीपी श्री मुकेश मल्होत्रा जी और तमाम यहां पर पुलिस कर्मी जो हमें दिन रात कार्य करके फरीदाबाद पुलिस का नाम रोशन कर रही है, सभी ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आज का जो ये आयोजन किया गया है बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। हमारे साहब जो दिन रात ये और तुरंत कार्रवाई के लिए हमेशा हमारे को आदेश होता है, हमेशा साहब की तरफ से हमें आदेश है कि जब भी कोई भी महिला कर्मी अपना पीड़ित पक्ष की तरफ से जब भी आती है तो उसको तुरंत उसका निदान किया जाए और उसको बहुत प्रायोरिटी से लिया जाए। और आरती बजाओ, अरे रात अरे इधर आ, और देखेंगे ये सारे जो है ये बहुत मेहनत करते हैं और आज इनका दिन है। आज सिटी रेजिडेंस पर और सब जगह यही AK-47 लेके कमान संभालेंगे PCR-OCR में। हम चाहते हैं एक मैसेज ही एक संदेश है कि भाई इनको समझने की और इनको इनकरेज करने की जरूरत है। पहली बार घरों से बाहर निकल रही हैं हजारों साल में, इनकी अपनी विशेष जरूरतें हैं, इनका अपना भय है, इनका और कोई चीज़ है तो उसको समझ के एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कहा कि वापस घर चलो तुम्हारा काम हो गया टाइप से, वो नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज कितने किलोमीटर की रनिंग है, दो किलोमीटर जो ज़्यादा होशियार थे सारे वर्दी पहन के आ गए, दौड़ना नहीं पड़ेगा। इंटेलिजेंट काम है लेकिन हम किसी और दिन भी रख सकते हैं, ये बदल गया। हमारे DSO साहब है गिरिराज है, ये है। मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स 2008 से 12 रहा, तो बड़ा सहयोग था विभाग का, हम लोग काफ़ी कुछ कर पाए थे। तो आपको पूरा विश्वास है कि आप वो परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है, इसमें लगे रहिए क्योंकि जो स्वास्थ्य ये बाजार में नहीं मिलता है इसको तो पसीना ही बहवाना पड़ता है, खुद ही ठीक करना पड़ता है। तो आप सबको फिर एक बार बधाई, और वैसे तो हर रोज़ ही महिला दिवस ही है, चलती ही नहीं गए। अब कभी कभी कभार सो जाते हैं तो पुरुष दिवस सुना लिया नींद में, जागे तो महिला दिवस ही दिखेगा। आप सब आए, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बाजा बाजा खच के बोलिए कट में, जल्दी 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 भागो इस तरह, वेरी गुड। ये दोनों तो भाग गए, चलो चलो आ जाओ ना आप, सकता है
और बिल्कुल बिल्कुल बधाई देता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि महिलाओं की जरूरतों के महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहें और उनको जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करें। सर, समाज में अभी भी देखा जाता है कि महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है, अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे रखा जाता है, उनको क्या कहना चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ने दें? ये ऐतिहासिक प्रक्रिया है और जो बराबरी है ये तो संविधान ने भी दिया है हमें, तो जो भी उसमें किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है और आज हर फील्ड में मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कोई बंधन नहीं। आप देखें, महिलाएँ हैं फिर भी पुरुषों की रक्षा में। सर, महिला दिवस है आज तक प्रदेश में सीपी की पद पे आज तक कोई महिला पोस्ट नहीं हुई, जॉइंट सीपी तो हुई है, तो आपको लगता है जो तीन थाना एसएचओ है यहाँ पर जहाँ महिला है? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आज आप सीपी रहकर जैसे सेक्टर 8 में एक भव्य जो बन रही है एसएचओ, तो आपको लगता है अपने थाने से कौन सी महिला सीपी पद के लिए आपको आपके साथ हो सकती है आने वाले फ्यूचर में? समय का इंतजार करें, सीपी तो बनना पड़ता है, बनाता तो रहने। जी 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 सर। सर, ये कुछ महिलाएं एनजीओ की तरफ से आपको सम्मानित करना चाहती हैं सर के लिए। एक मिनट, आज आप सर ये मैम आज सर आ जाओ सर साथ में। सर आओ सर, आप प्लीज। पीछे हो जाएगा गुरबानी का। मैं करती हूँ